डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट होमियोस्टैसिस टुडे, आई एम डॉक्टर मोहम्मद नसीर कीनी आज हम जिसम में तोन के बारे में बात करेंगे जिसम के अंदर तोन कैसे कायम रहता है माहौल के साथ इंसानी जिसम या दीगर जानदारों का जिसम या पौधों का जिसम कैसे तोज़न बरकरार रखता है माहौल में होने वाली तब्दीलियों के साथ ये कैसे एडजस्टमेंट करता है इसके बारे में हम बात करेंगे ये बहुत दिलचस्प और बहुत अहम टॉपिक है आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा लेसन क्या है लेसन ओवरव्यू दिस लेसन एक्सप्लेंस होम्योस्ट्रेसिस इट हेल्प्स आज टू अंडरस्टैंड द वेरियस प्रोसेस इन प्लांट्स एंड प्लान्टूमेंस फॉर मेंटेनेंस द इंटरनल ऑफ ऑफ द इक्विवलीर बॉडीज़ ये लेसन हमें होमियोस्टेसिस के बारे में बताता है और हमारी मदद करता है ये समझने में कि वह इंसानों में और ख़ास तौर पर पौधों में किस तरह जो है वो इक्विलिब्रियम बरकरार रहता है उनके अंदरूनी जिसम का जो तोज़न है वो कैसे कायम रहता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफ़ाइन होम्योस्टैसिस ये उसे डिफ़ाइन कर सकेंगे कि यह तोज़न होता क्या है टेल द नेम्स ऑफ द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स एंड ह्यूमेंस फार होम्योस्टैसिस ये तलबा ये बता सकेंगे नाम उन प्रोसेस के उन अवामिल के जिनके ज़रिए यह तोज़न कायम रहता है और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो हैं वो ये थे अब की वर्ड्स हैं हमारे पास हैं वह है होम्योस्टैसिस आसमो रेगोलेशन थर्मो रेगोलेशन एक्सक्रीशन एंड वेस्ट ये मुखसर सा आ, सबक है लेकिन अगले असबाक के लिए ये बुनियाद है बेस है फ़ाउंडेशन है इसलिए इसको अच्छी तरह हमने समझना है जिसम मतवाजन रहने की कोशिश करता है चाहे वो इंसानों का हो जानवरों का हो या पौधों का हो जब भी माहौल में कोई तब्दीली होती है तो अंदरूनी जिसम हमारा उससे अफेक्ट होता है और हमारा जिसम कोई ना कोई रिएक्शन करता है जिसकी वजह से बैरूनी माहौल के साथ उसका तोज़न कायम रहता है तो होम्यो होता क्या है होम्यो मीनस सेम होम्यो का मतलब होता है सेम एक ही और स्टेसिस का मतलब होता है स्टडी तोन हमवार हमवार होना लगातार और बाकायदगी से होना तो ये इसका मतलब है कि जिसम के अंदर जो एक तोज़न कायम रहता है जिसम के अंदर एक जो रेगुलरिटी कायम रहती है एक बैलेंस रहता है उसे होम्योस्ट्रेसिस कहते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बॉडी बाय विच इट मेंटेन्स अ स्टडी लेवल ऑफ टेम्परेचर वाटर साल्ट शुगर प्रोटीन फैट्स कैल्शियम ऑक्सीजन एट्सट्रा ये एक ऐसा अमल है जिसके जरिए जिसम के अंदर टेम्परेचर दर्जा हरारत पानी की मकदार नमकियात की मकदार शुगर की मकदार प्रोटीन फैट्स कैल्शियम और ऑक्सीजन वगैरह की मकदार कायम रहती है क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो जिसम में एक नार्मल इनका एक तयशुदा एक, एक मकदार होती है अगर ये इस मकदार से बढ़ जाएँ तो भी खतरनाक हैं और अगर ये मकदार कम हो जाए तो भी ये ख़तरनाक हैं तो बाडी को जिसम को वो जो नॉर्मल जो टेम्परेचर है या नार्मल अमाउंट ऑफ वाटर है या नार्मल अमाउंट ऑफ साल्ट या शुगर है या प्रोटीन या फैट्स हैं ये नार्मल मकदार कायम रखनी जिसम के लिए ज़रूरी होती है तो अगर ये कम या ज़्यादा होने लगेगी तो जिसम कोई ना कोई रिएक्शन करेगा जिसम के अंदर ऐसे आ, ऐसी चीज़ें अल्लाह ने रखी हैं ऐसा तोज़न रखा है ऐसी उसके अंदर एकबरीम कायम रखने के लिए ख़ास जो है वो तरीके रखे हैं और उन तरीकों से ये मिकदार जो है वो कायम रहती है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है और ना बहुत ज़्यादा कम होती है तो देखें नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो इंसान का द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ़ द ह्यूमन बॉडी थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड इंसान का जो नॉर्मल टेम्परीचर है वो कितना होता है थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड अगर थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड से टम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो इंसान बीमार होता है उसकी मौत वाकई हो सकती है और अगर टेम्परीचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी ये नुकसानदेह है इंसानों के लिए भी जानवरों के लिए भी और पौधों के लिए भी तो ना तो टैम्परीचर बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए इसलिए सर्दियों में देखें कि हम इस टेम्परीचर को बरकरार रखने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं और इसी तरह गर्मियों में जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम मख्त किस्म के जैसे ए सी है और पंखे और दीगर जो हैं चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो टेम्परेचर है बारी टेम्परेचर वो नीयर टू थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड रहे इसी तरह पौधे भी करते हैं तो ये अमल कैसे होता है यानी किस तरह ये जो इंसान है या जानवर हैं या पौधे हैं वो माहौल के साथ अपना तोज़न कैसे कायम करते हैं ये ख़ास अमल है ख़ास तरीके हैं जिनके ज़रिए ये तोज़न कायम रखा जाता है अब हम उनके बारे में बात करते हैं तो होम्योस्टाइटिस होता क्या है होम्योस्टाज इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होम्योस्टाज इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी इक्विलिब्रियम डिस्पाइट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट माहौल में तब्दीलियाँ होने के बावजूद जिसम जो है वो अपनी नार्मल कंडीशंस को इक्विलिब्रियम में रखता है ताकि वो जो चीज़ें हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया है टेम्परेचर है नमकियात हैं शुगर की मकदार है फैट्स हैं दीगर केमिकल्स हैं ये नॉर्मल जिसम के अंदर रहने चाहिए अगर इनकी मकदार बढ़ जाए या इनकी मकदार कम हो जाए तो इससे इंसानी जिसम और इवन के पौधों का जो जिसम है उसे भी सख्त नुकसान पहुँचता है तो होमियोस्टेसिस टेक्स प्लेस इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये पौधों में भी होता है और जानवरों में भी होता है यानी सिर्फ जानवरों में ही या सिर्फ इंसानों में नहीं होता पौधों को भी कुदरत ने ऐसा इंतज़ाम दिया हुआ है कि वो इस टेम्परेचर के या इन्वायरमेंट के अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं उसको वो महसूस करते हैं और उसके मुताबिक अपने बॉडी जो है उसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली कर लेते हैं जिसकी वजह से वो अपना जो बैलेंस है उसे कायम रखते हैं तो वो प्रोसेस जो है होम्योस्टास के तीन हैं देर आर थ्री मेन प्रोसेस ऑफ ह्योमस्ट्रेसिस तीन जो हैं वो तरीके हैं नंबर वन है, है आसमो रेगुलेशन नंबर टू है थर्मो रेगुलेशन एंड नंबर थ्री है एक्सक्रीशन तो ये इन तीन तरीक़ों से जिसम बैलेंस रखता है अपने आप को रेगुलेट करता है एकब्रियम में रखता है और वो जो चीज़ें हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा कम होती हैं जैसे टम्परेचर है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम इंसान की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट रहता है ना उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होता और गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता अगर ये बहुत कम हो जाए और बहुत बढ़ जाए तो उससे मौत वाकई हो जाती है तो इन तीन तरीकों से ये मेन जो मेथड हैं हम उन प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि जिनके ज़रिए ये होम्योस्टासीस होती है एक है आसमो रेगुलेशन और दूसरी है थर्मो रेगुलेशन और तीसरी है एक्सक्रीशन आइए इनकी अब तफसील के बारे में जानने की कोशिश करते हैं आसमो रेगुलेशन वाट इज़ आसमो रेगुलेशन हम इससे पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं आसमासस के बारे में भी हमने पढ़ाया और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ाया है सेस वो अमल होता है जिसमें पानी के जो मालिक होते हैं वो एक ख़ास किस्म की ब्रांड से गुजरने के बाद वो दूसरी तरफ जो है वो चले जाते हैं जहाँ पानी की जो कंसनट्रेशन है वो कम होती है यानी कोई अगर या ऐसा लिक्विड है फ्लूड है जिसमें पानी की मकदार कम है और दूसरी तरफ पानी रखा हुआ है और बीच में एक मेम्ब्रेन है तो उस मेम्ब्रेन से गुजरने के बाद पानी के मालिक्यूल जो हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं और उस चीज़ को डिलीवूट करते हैं तो ये है आसमास चीज़ और डिफ्यूजन जो होता है इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती ये ज़्यादा कंसनट्रेशन से मालिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा से कम की तरफ चले जाते हैं और वहाँ जाकर एक बैलेंस जो है वो कायम करते हैं यानी जहाँ किसी चीज़ की मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ से वो कम की तरफ बढ़ जाती है और इस तरह वो डिफ्यूजन के जरिए यह अमल होता है आसमो रेगुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड वाटर इन द बॉडी आसमो रेगुलेशन एक ऐसा अमल है जिसमें नमक और पानी ख़ास तौर पर उनको बैलेंस रखने के लिए उनको मेंटेन रखने के लिए उसकी अमाउंट को कम या ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा ज़्यादा होने से बचाने के लिए ये जो अमल होता है दैट इज़ आसम रेगुलेशन आसम रेगुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड वाटर इन बॉडी दिस प्रोसेस वर्क्स थ्रू आसमासिस एंड डिफ्यूजन ये दो तरीक़ों से होता है आसमासिस के जरिए होता है या फिर डिफ्यूजन के जरिए होता है व्हाट इज़ थर्मो रेगुलेशन हमने तीन बात की थी तीन प्रोसेस होते हैं नंबर वन दैट इज़ आसमो रेगुलेशन उसके बारे में हम बात कर चुके हैं आसमासस और डिफ्यूजन के जरिए ये अमल होता है और दूसरा जो है जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन जैसा कि इसका नाम है थर्म, थर्मो थर्मो थर्मोपिन टेम्परेचर यानी ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है थर्मो रेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद द एनवायरनमेंट ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए जिसम अपने इंटरनल टेम्परेचर को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ वो क्या करता है मेंटेन करता है यानी बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी से जिसम को इस अमल के जरिए बचाया जाता है हमारा जो जिसम है या किसी भी जानवर का जिसम हो या इवन के जो प्लांट्स हैं उनकी जो बॉडी है वो बेहतरीन काम उस वक्त करते हैं जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है जैसे इंसान का जो टेम्परेचर है थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड जब होता है तो उस वक्त उसके जितने एंजाइम्स हैं और जिसम बॉडी पार्ट हैं वो बेस्ट वर्क करते हैं द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर इज नेसेसरी एज द एंजाइम्स वर्क बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल द एंजाइम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वर्क एट दियर बेस्ट एट थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी चाहे वो इंसान है या जानवर है या पौधे हैं वो उस वक्त बेहतरीन काम करते हैं जब टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है उनका बॉडी टेम्परेचर जैसे इंसान की हमने मिसाल ली है अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो हमारी बॉडी के जितने एंजाइम्स हैं वो बेहतरीन तरीके से काम करेंगे लेकिन अगर टेम्परीचर जो है वो बढ़ जाएगा या टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा तो हमारा बॉडी जो है वो बेहतर तरीके से काम नहीं करेगी जैसे कोल्ड है तो आप देखें कि ये अनजायम्स हमारे अगर हम इसको देखें तो ये उनकी एक्टिविटी है और जब जिसम गर्म होता है तो आप देखेंगे एंजाइम की जो है या मुख्तलिफ जो केमिकल्स एक्शन जिसम के अंदर होते हैं उनकी ये हमारे सामने डायग्राम है तो अफेक्ट करता है टेम्परेचर तो एट बेस्ट जिसम उस वक्त काम करता है जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है जैसे कि इंसान की हमने मिसाल ली है कि थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बेहतरीन काम करता है इसलिए बाडी की ये कोशिश होती है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहे 37 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट रहे तो ये जो प्रोसेस होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने का उसे इक्विलिब्रियम रखने का दैट इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन एंड थर्ड वन इज एक्सक्रीशन वो की हम बात कर चुके हैं तीसरा जो अमल है इस जिसम को तोजन में रखने का इक्वलीबियम में रखने का तीसरा जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन क्या होती है किसे कहते हैं तो एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रीडिंग ऑफ द मेटाबोलिक वेस्ट फ्राम द बॉडी टू मैंटेन द इंटरनल कंडीशन एटिक्लेब्रियम जिसम के अंदर जो मेटाबोलिजम के जरिए वेस्ट पैदा होते हैं ऐसी चीज़ें जो जिसम के लिए ठीक नहीं होती उन्हें जिसम से खारिज होना होता है तो वो अमल जिसके जरिए ये बेकार मादे जो जिसम के लिए नुकसानदेह होते हैं वो जिसम से जब बाहर निकाले जाते हैं रीड ऑफ किए जाते हैं उनको जिसम से खारिज किया जाता है खून से अलग किया जाता है तो ये अमल जो है वो एक्सक्रीशन कहलाता है ये ज़्यादातर जो है वो किडनीज़ करती हैं ये गुर्दे जो हैं हमारे ये करते हैं इसके अलावा हमारी जो स्किन है वो भी करती है कि उसके ज़रिए भी एक्सक्रीशन होती है तो इसके बारे में हम इन डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे तो एक्सक्रीशन एक बहुत ज़रूरी अमल है इसके ज़रिए जैसे से बेकार मादे जो मेटाबॉलिज्म के ज़रिए पैदा होते हैं उनको जिसम से खारिज किया जाता है मेटाबॉलिज्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो असल में क्या है मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू दो अमल होते हैं नंबर वन एनाबोलिज्म और नंबर टू कैटाबॉलिज्म एनाबोलिज़म में क्या होता है कि चीज़ें बनती हैं नए सेल बनते हैं नए टिश्यूज़ बनते हैं कुछ चीज़ें बन रही होती हैं ग्रोथ हो रही होती है और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है के सेल टूट रहे होते हैं कुछ केमिकल जो कंपाउंड्स हैं वो टूट रहे होते हैं और क्या होता है ब्रेकिंग हो रही होती है तो एनाबोलिज़म बनने के अमल और यानी तामीर का अमल और कैटाबोलिज्म तखरीब का अमल इन दोनों को मिलाकर कहते हैं मेटाबोलिज़म तो ये जो मेटाबोलिक वेस्ट होते हैं मेटाबोलिज़म के दौरान दुर, जो वेस्ट मटीरियल पैदा होते हैं ये मटीरील जिसम के अंदर अगर रहते हैं तो जिसम को नुकसान पहुँचता है तो ऐसा अमल जिसके ज़रिए ये वेस्ट जसम से ख़ारिज किए जाते हैं खून से अलग किए जाते हैं और फिर इनको जसम से खारज कर दिया जाता है इसे एक्सक्रीशन कहा जाता है तो ये बहुत इम्पॉटेंट अमल है इसका मेजर पार्ट जो है वो एक्सक्रीशन का वो किडनीज करते हैं हमारे गुर्दे करते हैं ये लेकिन हमारी जो स्किन है वो भी ये अमल करती है उसके ज़रिए भी जो नीम वगैरह हैं वो खारज होती हैं वो भी जसम से खारज होती हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो किडनीज़ का ये काम है तो तीन प्रोसेस हमने आ, उनके बारे में पढ़ा है नंबर वन जो है वो है आसमो रेगुलेशन और नंबर टू थर्मो रेगुलेशन है और नंबर थ्री एक्सक्रीशन है तो इन तीन अमल जो हैं उनके ज़रिए जिसम तोन कायम रखता है माहौल के साथ मुताबकत पैदा करता है और इन चीज़ों को ना तो जिसम से बहुत ज़्यादा कम होने देता है और ना बहुत ज़्यादा बढ़ने देता है और इस तरह जो है मुख्तु तरीक़ों से इन तीन तरीक़ों से ये हमारी बाडी जो है वो बैलेंस को मैंटेन करती है इसके बारे में कैसे होता है ये अमल इसके बारे में इन डिटेल जो है हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे ये है तलीम मंजिल यूट्यूब चैनल जिसका मकसद सिर्फ़ एजुकेट करना है इसका मकसद सिर्फ ट्रेन करना है इसका मक़ मकसद सिर्फ समझाना है और चीज़ों को जो है वो सादा अंदाज में आसान तरीके से स्टूडेंट के सामने और लर्नर के सामने रखना है ताकि वो इसको बेहतर तरीके से समझ सकें और ख़ास तौर पर साइंस में ताकि वो दिलचस्पी का मुजहरा कर सकें बायोलॉजी जो एक मुश्किल मजमून है उसको कोशिश ये की गई है कि उसको आसान करके पेश किया जाए इसके अलावा फिज़िक्स है केमिस्ट्री है और दीगर सब्जेक्ट जो है उनके बारे में भी वीडियो जो हैं वो अपलोड की जाती रहेंगी आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जानने वालों के साथ शेयर करें और इसे लाइक भी करें लाइक आल करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुँच सके अल्लाह हमारा नासिर हो वमा माँ अलैन अल बिलागुलमबी अल्लाह हाफिज